बहुत बहुत स्वागत है हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का एक बार फिर से एडवेंचर्स ऑफ सुपर बॉडी एंड मिस एम में। दोस्तों पहले तो मुझे ये बताइए कि कल के एपिसोड के बाद आपने अपने दोस्तों के लिए ब्रेसलेट बनाए या नहीं, और अगर बनाए तो कितने बनाए, और फिर उनको गिफ्ट किए या नहीं, और या फिर आपके गिफ्ट करने वाले हैं। ये सब जानकारी मुझे दीजिए मेरे ईमेल आईडी पे या फेसबुक पेज पे। ये सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट पर जाएं और आपने जो जो एक्टिविटीज़ करी उसकी तस्वीरें हमें खींचकर भेजें, और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप हमें छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर भेजें। तो चलिए अब बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 3 की ओर, जिसमें आज हमारे लिए देखें मिस एम और सुपर बॉडी ने क्या क्या तैयारी करके रखी है। क्या आप ये देख रहे हैं कि सुपर बॉडी के कान किस तरह खड़े हैं और आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं? ऐसा लगता है सुपर बॉडी ने या तो ऐसा कुछ देख लिया है और ऐसा सुन रहे हैं जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तभी वो अपने क्यू मीटर को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। आइए देखें ऐसा क्या हुआ है। अरे ये चिड़िया जैसी आवाज कहां से आ रही है? मुझे कहीं कोई चिड़िया तो नहीं दिखाई दे रही। ओ माय गॉड, ये छोटा सा जानवर क्या है जो चिड़िया की तरह आवाज कर रहा है? और मुझे तो लग रहा है जैसे कि ये कैटरपिलर है। सुपर बॉडी क्या हो गया, इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? मिस एम मैं परेशान नहीं, मैं भूल भुलैया में पड़ गया हूँ। ये देखिए ये छोटा सा जानवर जो आप देख रही हैं, ये जो गमलों के पीछे छुपा हुआ है, ये एक चिड़िया के जैसे आवाज निकाल रहा था। मैं और मेरे दोस्त से सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक बर्ड नहीं है। तो सुपर बॉडी ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। सुपर बॉडी मैं जरूर कहूंगी कि ये तुम्हारी बहुत ही पैनी नजर वाली ऑब्जर्वेशन है। देखो ये जो इंसेक्ट है ना, यानी कि कीड़ा, इसको ग्रास हॉपर कहते हैं, और ये चिड़िया की तरह ही आवाज निकालता है। मिस एम क्या अद्भुत फैक्ट है। देखिए एक चिड़िया है और एक कीड़ा है, लेकिन दोनों की आवाज एक जैसी है। हाँ सुपर बॉडी, अच्छा ये बताओ कि इसके अलावा तुमने इसको देखकर और क्या क्या ऑब्जर्व किया है। मिस एम ये ग ग ग्रीन रंग का है, जैसे कि कैटरपिलर होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। इसका नाम रखते हैं ग ग गिनी द ग्रास हॉपर। देखिए देखिए मिस एम, ये एक ग ग ग्रीन कलर का मेरा फ्रेंड ग ग गिनी हरे ही रंग का है। यू आर राइट सुपर बॉडी। और ये जो पेड़ है जिस पे ग ग ग्रीन कलर के फ्रूट्स हैं, इसका नाम ग ग गुआवा है, जो कि एक पेड़ पर उग रहे हैं। तो मैं कुछ इन चीजों में समानताएं सुनाई दे रही हैं क्या? यस, ये सारे वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं मिस एम, ग जी, यानी कि ग, इसकी साउंड ग है। वेरी गुड सुपर बॉडी, तुम अपने दोस्तों के साथ क्या आसपास देखकर और इस साउंड के वर्ड्स ढूंढना चाहोगे? हाँ हाँ मिस एम, मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, वो इस गतिविधि में मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ हाँ सुपर बॉडी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मिस एम देखिए देखिए, इस पेड़ पर ग ग ग्रेप्स हैं जो ग ग ग्रो कर रहे हैं ग ग गेट के पास इस ग ग गार्डन में। बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन दोस्तों, क्या तुम और इस तरह के ग साउंड के वर्ड्स आसपास ढूंढना चाहोगे? हाँ हाँ मिस एम, अब मेरी बारी है। देखिए देखिए,
उस गली के पार एक गर्ल अपने ग्रैंडपा के साथ गोट्स को ग्रास खिलाने जा रही है। एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज गॉट माय क्यू मीटर राइजिंग। इसका मतलब कि मेरा क्यू मीटर का लेवल भी बढ़ रहा है मिस एम। दोस्तों क्या कहते हो, अब हम लेटर जी के सिंबल को एक्सप्लोर करें। हमने उसका साउंड और नेम तो कर लिया। हाँ हाँ मिस एम, मैं और मेरे दोस्त इसको करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो चलिए मटेरियल्स इकट्ठे करते हैं। हमें चाहिए कुछ पेपर्स, कुछ पेंट्स, कुछ दालें, ग्लू स्टिक, पेंसिल और क्रेयॉन्स उसको ड्रॉ करने के लिए। हाँ मिस एम, लेकिन हम लोग ये लेटर जी बना कैसे रहे हैं? सुपर बडी, हमें सारा मटेरियल यूज करके लेटर जी का सिंबल बनाएंगे। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं लेटर जी का सिंबल बनाने के लिए मिस एम, लेकिन क्या हम इसको एक ग ग्रुप एक्टिविटी की तरह बना सकते हैं ताकि हम लोग एक ग गायंट लेटर बनाएं? एक अद्भुत चीज बताऊं दोस्तों, लेटर जी की दो साउंड्स होती हैं, ग और ज। सुपर बडी, तुम्हारे दोस्त ग्रास हॉपर का नाम ग गीनी नहीं ज ज जीन है। और वैसे ही हम लोग ग्रुप एक्टिविटी से जो बड़ा सा लेटर जी बनाएंगे वो ग गायंट लेटर नहीं ज ज जायंट लेटर बनेगा। तो देखो, जैसे हम लोगों का कभी कभी घर का नाम और बाहर का नाम और होता है, दो नाम होते हैं, उसी तरह लेटर जी के दो साउंड्स होती हैं। तो चलो अब बिना इंतजार किए हम लोग लेटर जी का सिंबल बनाते हैं। एक बड़ा सा कागज लो, उस पर लेटर जी का सिंबल लिखो और ग्लू स्टिक के साथ उसकी आउटलाइन के अंदर अपनी पसंद की मटेरियल से उसकी फिलिंग कर दो। मिस एम, एक आपको मजे की बात बताना चाहता हूँ। मैंने ये रियलाइज किया है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर पर जाता हूँ तो मेरा मजा दोगुना हो जाता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ मिस एम, थैंक यू वेरी मच, आज का हमारा फ्रेंड स्पेशल एडवेंचर रहा, खूब मजा आया। देखिए हमारा क्यू मीटर भी इस चीज से सहमत है और उसका लेवल हाई को छू गया है। केयरगिवर्स, बच्चे के साथ घर पे लेटर जी से शुरू होने वाले वस्तुओं, सब्जियों, फ्रूट्स आदि के नाम को डिस्कवर कर सकते हैं और मिलकर सोचिए लर्नर के साथ कि ग्रास हॉपर का कूदना एक रैबिट के कूदने से कैसे अलग होता है। और ऐसे ही बढ़िया एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें। थैंक यू।